तो उन्होंने कोर्ट के अंदर एक्चुअली शूट आउट करके गोली से मर्डर कर दिया था इनका कार के अंदर। हेलो गाइस, ये मेरी मम्मी धनिया छीलते हुए हेलो गाइस। मदर्स डे पे। मैं हूँ विनीत कटारिया। वेलकम टू वेलकम टू विन 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 ब्लॉग्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनायक शाह एंड वेलकम टू आवर चैनल विन विन ब्लॉग्स। तो आज है मदर्स डे, तो चलो मम्मी को विश करते हैं। तो हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू बेटा। चलो बाय बाय बाय। मेरा नाम है विनायक शाह। मैं हूँ विनीत कटारिया। वेलकम टू आवर चैनल विन 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 ब्लॉग। तो आज है बहुत एक स्पेशल डे, आज है मदर्स डे और हम जा रहे एक स्पेशल जगह पे। आज अपने मदर्स से तो मिल लिए, अभी हम सेकंड मदर से मिलेंगे, सेकंड जो सबके मदर है। हाँ। कैसी है यारिया। और हम पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पे। यस, 25 मिनट्स। एक मस्त गांव में आए हैं और अभी आपको मिलवाते हैं एक स्पेशल लोगों से। और हम आए हैं श्री गोपाल गौशाला। त्रिलोक चंद जैन, भारतीय गोवंश रक्षण संवर्धन परिषद श्री गोपाल गौशाला का सेक्रेटरी के रूप में गत 15 वर्ष से काम देख रहा हूँ करके, और दिनन-दिन गौशाला की सारी व्यवस्था है, इसके बाद में जो भी इसका परचेजिंग है, लेन देन है, आर्थिक व्यवहार है, ये सारी व्यवस्था है अपने माध्यम से अपन देखते हैं करके। और इस गौशाला का साधारण खर्चा हर महीने का 30 लाख रुपये से ऊपर का खर्चा है। यहाँ पे साधारण 50 से 60 कर्मचारी कार्यरत रहते हैं करके, 2 डॉक्टर्स है और हर महीने का साधारण 1 लाख रुपये का पावर बिल है और लगभग 1-1.5 लाख रुपए की यहाँ पे हर महीने में मेडिसिन आती है और सारा का सारा बिना सरकार के अनुदान के ये सारा प्रोजेक्ट चल रहा है। ऐसा है कि महाराष्ट्र का पशु संवर्धन कायदा उसको काटने की इजाज़त नहीं देता है, ऐसे गोवंशों को भर के जो कसाई वगैरह गाड़ियों में भर के लेके जाते हैं उनको रोकना पकड़ना। मेरे को यहाँ पे 3 साल हो गई और मैं जनरल वेटरनरी डॉक्टर की पोस्ट पे यहाँ पे काम करता हूँ। अच्छा। और 3 साल अपने को हो गई और यहाँ पे एक बहुत बड़ी महामारी आई थी जो लंप स्किन डिजीज LST जिसको करके बोलते हैं, क्रेपीपॉक्स वायरस के माध्यम से वो फैलती है। वो अपन ने ऑलवर सारा कंट्रोल किया, कैटल फूड इनको सुबह में दिया जाता है, फिर उसको हरा चारा दिया जाता है, सूखा चारा दिया जाता है, ये सारे लाइनों को ऐसे करते 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 अपन ये सारा ऑलवर ये सारा करते। ए लालो, आ हा हा हा। ये मेरी सब गौ माता है। गुड़ का पानी बनाते हैं, गुड़ का मीठा मीठा, फिर उसके अंदर इतना नमक, इतना मेथी, इतना अजमा, एक गुनी गेहूं का छूला मटेरियल डालते हैं, तुवेर दाल, मूंग दाल, अरहर दाल, चना दाल का लोट निकल जाने के बाद जो रह जाता है उसको हम लोग चुन्नी बोलते हैं। तो एक गुनी भूसा वाला लापसी है ये, ठंडा लापसी, गरम लापसी नहीं, ठंडा लापसी। थैंक यू। ये सब हमारी गौ माता है। अभी ये ए लालो। और ये जो भारतीय संस्कृति है गौ माता की, उसको अपने को हर एक को बचाना है, बराबर हर एक को। मैं तुम लोग भी हर संडे आते हो? हाँ, एवरी संडे। तो एवरी संडे क्रिकेट खेलने नहीं जाता? नहीं, अभी स्कूल वूल जब भी छुट्टी हुआ तब से मैं हर संडे मतलब ट्राई करता हूँ आने का। जब स्कूल चालू था तभी नहीं आ पाता था, एग्जाम्स रहता। अभी 10th ओवर हुआ तो अभी वैकेशन है थोड़ा 2-3 महीने का, तो हर संडे आता हूँ। बिल्डिंग में से फ्रेंड्स नहीं आते मेरे को भी। हाँ। वो लोग को ऑकवर्ड फील होता है इधर आके काम करने का, पर मेरे को ऐसा जरा भी नहीं होता, मजा। नाइस। इधर शांति है, सुकून है, सब चीज है, मजे भी सब करने का इधर। काऊ को भी खिलाते आके? हाँ, सब मजे करते इधर, बाद में चारा भी सब बनाने का सब कुछ। और ये भाई साहब अपना सांड को मिलवाने के पीछे बहुत पड़ा हुआ है। क्या है वो सांड की विशेषता, क्या है वो तो बता। बड़ा है सांड, बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे शेड कितने हैं सर? 30 शेड है टोटल। कितने? 30 शेड है टोटल। 30 शेड। अच्छा, ये सब दूध देने वाली है? ये दूध देने वाली गाय है। अच्छा। और ये इनके सारे बछड़े। ये जो बुल्स है इतने हैवी, ये शायद 1200 या 1000 किलो के। हाँ, बोल दे, तो इनकी स्टोरी क्या? और ये हमने सारे कत्ल खाने से छुड़ाए हुए, 7 पुलिस की गाड़ियाँ
और 15 गाड़ियों में इनको भर के लेके आए। ये है ना तेरा तू हाँ। सबसे जिसका बोरा था कब से हाँ ये ही है। देखो ये है सबसे बड़ा सांड यहाँ का, इसकी प्रिय भी है देखो। ये इसका नाम है, हमने इसका गंगा नाम रखा है। हाँ गंगा गंगा बिल्कुल शांत है। ये देखिए ये पूरा शेड है। राधे राधे अभी ब्लॉगर हो राधे 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 राधे। उनका पैर का इशू हुआ है तो भी वो आते हैं हर संडे, हर संडे को आते बोरीवली से। ओ ओ ओ मैराथन में काम चल चल। अलग अलग सेक्टर्स से लोग यहाँ पे आते हैं और सेवा करते हैं। ये देखो को 10 मिनट में पूरा खत्म कर दिया, 10 मिनट ने पूरा खाली किया। तो फ्रेश दूध यहाँ पे देखो कितने सारे लोग। अरे बहुत ज्यादा है भाई। और लोग मेन क्या है देखने वाली बात है, लोग कहाँ कहाँ से आ रहे और संडे को मतलब डिसिप्लिन देखो उसका। संडे को एवरी संडे सब लोग ट्रक में भर के कांदीवली बोरीवली दूर दूर से वहां से भिवंडी तक आते हैं। दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन एंड कमिटेड कमिटमेंट टू सम काइंड ऑफ वर्क। हमारा हाल देख सकते हो, पसीना पसीना हो गया हम लोग एक दिन आके, और ये वो चीज सालों से फॉलो कर। मैं एक्चुअली यहाँ पे ऊपर खड़ा हो गया हूँ, आप देख रहे हो मैं कहाँ, ये जो झाड़ है ना इसका ये बना हुआ है नीचे, क्योंकि यहाँ से जो काउज आएंगे वो यहाँ से पूरा घूम के फिर वहां जाने वाले, वहां उनका खाना है। जाने जाने हुआ क्या ना जाने आते आते दिखने लगा ये राधे कृष्णा। जो बहन जी को आप वीडियो ले रहे हैं ना उनके हाथ का हम लोग लास्ट 10 साल से खाना खा रहे हैं। और ये जो मिडल वाली है ना, ये मिडल वाली ये मेरे ख्याल से ये दोनों ये भिवंडी की ही है। ओके और लॉकडाउन में कम से कम हमको 15-20 रविवार ये लोग के हाथ का खाना खाया है। ये सारे गिल नस्ल के बुल है। ओके ये अपन ने ब्रीडिंग पे अपन काम करते हैं और उस आधार से ये अपन ने सारा बिल तैयार किया। देखो ये गाय के फोरहेड पे नेचुरल त्रिशूल बना हुआ है और ये भी हमने कत्ल खाने से जुड़ा ही है। देखो इसके निशान भी बना हुआ है कान पे, ईयर पे इसके निशान बना हुआ है। गिर गाय है, इसका घी भी बहुत अच्छा होता है और इसके गोमूत्र में सोने के कण भी पाए जाते हैं। ये कॉकरेज ब्रीड है श्री गोपाल गौशाला का, ये बाहुबली बैल है। आप साइज देखो इसका, पेरा घास खा रहा है ये, पेरा घास है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हो यहाँ पे इसको बोलते हैं ट्रेविस बोलते हैं। कोई गाय अगर सीरियसली इल है या कुछ है तो इसमें डाल के उसको लेके जाते हैं ऑपरेशन में। और ये है गौशाला का हॉस्पिटल। इस गाय की अपन ने सर्जरी की थी और ये तीन ही पैर पे अभी रहती है। अच्छा हाँ। पूरा गाय का चारा का स्टोरेज है यहाँ पे। तो भिवंडी कल्याण थाना अमरनाथ उल्लासनगर बदलापुर ये सारे केसेस जहाँ कहीं पे भी इलीगल स्लॉटरिंग के होते हैं वो केस हमारी तरफ से लड़ते हैं। उन्होंने हमको एफिडेविट दिया हुआ है और उन्होंने हमको ये कहा है कि आपके सारे गोरक्षा के केस हम लड़ेंगे और उनके माध्यम से हम छोटे मोटे केस को भी भिवंडी कोर्ट से थाना कोर्ट और हाई कोर्ट तक लेके जाते हैं। और 99% जितने भी केसेस होते हैं उसमें से सारे गोवंशों को हम अपने यहाँ छोड़ा करके रखते हैं। बड़ी सैड स्टोरी है बट अभी पता चली तो मैं आपको पहले उनसे मिलवाता हूँ। ये है हमारे गोपाल गौशाला के एडवोकेट ललित जैन, ये हैं बल्कि ये थे एक्चुअली। तो इनकी स्टोरी ये है कि ये सारे केसेस जो भी स्लॉटरिंग के सारे केसेस होते थे
गौशाला में जो गाय आती थी जो स्लॉटर हाउसेस से छूट के आती थी या छुड़ाई जाती थी, वो सारे केसेस जो थे वो सारे एडवोकेट ललित जैन लड़ते थे। बट एक दिन क्या हुआ कि जो ऑपोजिट साइड के लोग थे जिनको नुकसान होता था इनके केस लड़ने से, तो उन्होंने कोर्ट के अंदर एक्चुअली शूट आउट करके गोली से मर्डर कर दिया था इनका कार के अंदर। तो बहुत थैंक यू इनके सर्विस के लिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये सिर्फ 32 इयर्स के थे जब ये जब इनका डिमाइस हुआ, ये सिर्फ 32 इयर्स के थे। फिर हम गए ऐसे गुम कैसे कहे क्यों हम गए ऐसे बन बैठ रहे फिर हम गए ऐसे गौ माता जय जय गौ माता तो फ्रेंड्स, ऐसे बिताया हमने मदर्स डे आज ऐसी गोपाल गौशाला में। और आपने देखा कि कितना बड़ा गौशाला है जहाँ पे काउस बुल्स सबको शेल्टर मिलती है, खाना मिलता है और मेडिकल हेल्प मिलती है। यस, तो बताइएगा आपको कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। और अगर आपको यहाँ पे आना है और कुछ सेवा देनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं, हाँ वो आप देख लीजिएगा। और कुछ डिटेल चाहिए भी तो कमेंट कर दीजिएगा, yes. हम आपको दे देंगे। Yes. तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा उसके लिए डू शेयर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू विन विन ब्लॉग्स। यस, एक और बार टू विन विन ब्लॉग्स विन विन ब्लॉग्स विन विन ब्लॉग्स। चलो गुड बाय।